हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्ट होम में। आज मैं आपको घर में पड़े हुए बिल्कुल ही बेकार सामान से ऐसे दो क्राफ्ट बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिनको कि आप एज ए ऑर्गेनाइजर और एज ए डेकोरेशन दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, यानी कि एक क्राफ्ट और उसके दो यूज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्राफ्ट के लिए मैंने ये घर में पड़ी हुई वेस्ट धूपबत्ती की खाली डिब्बी ले ली है और इसको बीच में से कट कर दिया है। इस तरह मैंने ये दो और डिब्बियां ले ली हैं और इनको भी बीच में से कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से चार या पांच भी ले सकते हैं। और अब मैंने इन डिब्बियों को भी बीच में से कट कर लिया है। अब मैंने एक डिब्बी के एक साइड फेविकोल लगाकर दूसरी डिब्बी को चिपका लिया है और इन दो डिब्बियों पर भी फेविकोल लगाकर बाकी की तीन डिब्बियों को चिपका लिया है। इस तरह ये छह खानों वाला हमारा एक छोटा सा बॉक्स बनकर रेडी है। इसके बाद मैंने कार्डबोर्ड के चार टुकड़े लिए हैं और बॉक्स के चारों ओर फेविकोल की हेल्प से चिपका लिए हैं। इससे इस क्राफ्ट की मजबूती भी बढ़ जाएगी और अगर आपको इस पर कलर करना है तो वो भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि धूपबत्ती की डिब्बी की सरफेस बाहर से चिकनी होती है तो इस पर डायरेक्ट कलर नहीं हो सकता और ना ही इस पर कोई पेपर आसानी से चिपक सकता है, लेकिन कार्डबोर्ड पर ये काम आसानी से हो जाएगा। इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं। न्यूज़पेपर की जगह आप टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर व्हाइट कलर के दो कोट कर लिए हैं। आप चाहें तो एक कोट से भी काम चला सकते हैं। अब मैंने इन बॉक्सेस के अंदर अलग अलग तरह के कलर्स कर लिए हैं। कलर्स आप अपनी पसंद के कर सकते हैं। डिब्बी के एक बॉक्स को मैंने व्हाइट ही रखा है, आप चाहें तो इसके अंदर भी कलर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इस डिब्बी के छह खानों के ऊपर सिल्वर कलर अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो गोल्डन कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कलर पेपर की लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं और एक एक करके इनको फेविकोल से चारों तरफ चिपका लिया है। अब मैंने वीविंग करते हुए लंबी वाली स्ट्रिप्स में से इन स्ट्रिप्स को अप डाउन करते हुए फेविकोल की हेल्प से चिपका लिया है। अगर आप आसानी से वीविंग करना चाहते हैं तो पहले लंबाई वाली सारी स्ट्रिप्स को डिब्बी के नीचे फेविकोल से चिपका लें। इससे आपको वीविंग करने में आसानी हो जाएगी। इस प्रकार मैंने पूरी डिब्बी के चारों तरफ स्ट्रिप्स की वीविंग कर ली है और इसके बाद डिब्बी के नीचे कार्डबोर्ड का टुकड़ा चिपका दिया है। इसके बाद मैंने एक डोरी को डिब्बी के चारों तरफ फेविकोल की हेल्प से चिपका लिया है। आप डोरी की जगह कोई भी फैंसी लेस को इसके चारों तरफ चिपका सकते हैं। देखिए, हमारे डिब्बी वाला ऑर्गेनाइजर कहें या फिर फ्लावर वेज बनकर तैयार है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब मैंने इसके कोने पर तीन पेपर फ्लावर चिपका दिए हैं। इससे ये डिब्बी दिखने में और भी सुंदर लगेगी। छह छोटे छोटे बॉक्सेस वाला ये ऑर्गेनाइजर या फ्लावर वेज बनकर तैयार है। अब आप इसमें कोई भी अपना स्टेशनरी का सामान या फिर मेकअप का सामान आसानी से रख सकते हैं और इसके अंदर आप अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर लगाकर इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये छह बॉक्सेस वाला ऑर्गेनाइजर और फ्लावर वेज, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरा ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए मैंने एलईडी बल्ब की खाली डिब्बियों का यूज किया है। आप डिब्बियां किसी भी साइज की ले सकते हैं। इसके ऊपर के सिरे को मैंने कट कर दिया है और इसी कटे हुए टुकड़े को मैंने इस डिब्बी के नीचे फेविकोल से चिपका दिया है। इसके बाद मैंने कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं और फेविकोल की हेल्प से इसके चारों ओर चिपका ली हैं। आप आइसक्रीम स्टिक्स की जगह कार्डबोर्ड के टुकड़ों को इसी शेप में कट करके भी चिपका सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर व्हाइट कलर के दो कोट कर दिए हैं और एक स्टिक्स को छोड़कर अलग अलग कलर कर दिए हैं। आप अलग अलग कलर की जगह एक ही कलर कर सकते हैं या फिर सारे की सारे स्टिक्स पर अलग अलग कलर कर सकते हैं। इस प्रकार बस कुछ ही देर में हमारा ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर या फिर फ्लावर वेज बनकर तैयार है। इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर लगाकर इसको डेकोरेट कर सकते हैं या फिर इसमें अपना कोई भी सामान आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर को बनाना इतना आसान है कि इसे बच्चे भी बना सकते हैं। तो कैसे लगे हमारे ये ऑर्गेनाइजर या फ्लावर वेज, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही आइडियाज लाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।